Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Car for Sale Simulator. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने अपने शोरूम टेक्नो मोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा कार कलेक्शन इकट्ठा कर लिया है, जिसमें सारी की सारी गाड़ियां एक से बढ़कर एक है. फरारी, ऑडी, सुप्रा, मस्टैंग, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, लैम्बोर्गिनी नहीं है बट हाँ वो भी जल्दी अपने कलेक्शन में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है. फिलहाल बड़ी बात तो ये है कि आज की सल वीडियो में मैं अपने शोरूम को तोड़कर दोबारा से बनाने वाला हूँ. पहले अपना शोरूम काफी घटिया सा दिखता था तो मैंने इसे रीबिल्ड करा था, काफी लग्जरी लुक दी थी बट पता नहीं क्यों मैं अभी अपने नए वाले शोरूम से थोड़ा सा बोर हो गया. मतलब मेरा मन है कि मैं इसे क्यों ना रेनोवेट करूं या फिर इसे एकदम रीडिजाइन करूं पूरा तोड़ के. मैं ये नहीं कह रहा कि अपने शोरूम को बहुत बड़ा बना देंगे बट हाँ जैसा भी बनाऊंगा बहुत ही प्यारा बनाऊंगा, जैसा अभी दिखता है उससे 10 गुना बेटर. तो चलो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं वीडियो में. ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. देखो बहुत दिन हो गए हैं, काफी दिनों बाद में अपने शोरूम पे आऊं मुझे मालूम है बट एक चीज तो है कि दूर से देखने में जो प्यारी लुक आ रही है, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे पोर्शे लैम्बोर्गिनी किस तरीके से खड़ी होकर गोल गोल घूम रही है. चलो एक काम करता हूँ, पहले अपना कलेक्शन दिखाई दूं मैं. देखो इतना बढ़िया गाड़ियां इकट्ठी करे तो थोड़ा फ्लेक्स तो बनता ही है. लेट्स गो. सारी की सारी गाड़ियां ना मेरी ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ी है, वैसे ऐसा नहीं है यार, आधे से ज्यादा गाड़ियां मैंने नीचे भी खड़ी कर रखी है. तो यस, सीढ़ी से जैसे तुम ऊपर आओगे तुम्हें आते सामने दिखेगी एक सियान कलर की ऑडी R8, उसके पीछे एक लाइम कलर की या फिर येलो कलर की मस्टैंग, इधर फिर से एक ऑडी R8, मतलब तीनों गाड़ियों में V8 इंजन, ये भी V8 इंजन. आई थिंक ये पोर्शे में V8 नहीं होगा, इसमें आई थिंक V6 होगा, पर इस गाड़ी में भी पावर बहुत है. इस तरफ में फरारी, उसके सामने एक BMW, इधर सुप्रा और उधर एक पोर्शे स्पेशल एडिशन वाली. और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी मैं तुम्हें और गाड़ियां दिखाता हूँ जो की मेरे नीचे वाले फ्लोर पे मैंने शोरूम के बाहर खड़ी कर रखी है. यस, तो मेरे शोरूम के बाहर खड़ी है एक ये फुल भाई माफिया कार है, बहुत तगड़े, नाम नहीं पता, शेवलेट की कोई तो है बट बहुत महंगी है. इस तरफ में एक फरारी है, पीछे अपनी निसान GTR, इधर एक और पोर्शे है और यहाँ पर एक बीटल है. अपने शोरूम में अगर कोई सबसे सस्ती गाड़ी इस टाइम पर है तो वो ये है बीटल. ओ नहीं, एक सेकंड, वो भी अंदर कोई सस्ती सी गाड़ी खड़ी हुई है. ठीक है, आज की इस वाली वीडियो में मुझे अपने शोरूम को प्रॉपर रेनोवेट करना है तो मुझे ना एक एक करके पहले सारी गाड़ियों को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा काम है. बड़ा काम नहीं है, काफी लंबा काम है. लिफ्ट को मैं ऊपर भेज देता हूँ, मैं भी लिफ्ट से जाऊंगा. अरे मुझे तो ले जाती, मुझे सीढ़ी से आना पड़ेगा भाई. हाँ, तो मेरा प्लान ये है कि पूरे के पूरे शोरूम को अगर तोड़ के बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे सारी की सारी गाड़ियां एक बारी पहले नीचे ले जानी पड़ेगी. अब मैं एक एक करके गाड़ियां नीचे ले जाऊं उससे बेटर है कि क्यों ना मैं दो दो करके नीचे ले जाऊं. आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है. यहाँ पे अगर मैं गाड़ी खड़ी कर दूं और सेम अपनी सुप्रा चुपरा, इसको भी एक बारी अगर मैं ला कर, मेरे माइंड में ना एक बहुत ही क्रेजी डिजाइन है, इसके लिए मैं शोरूम को रीबिल्ड करना चाहता हूँ. चलो तो दो गाड़ी मैंने खड़ी करी है, अगर अभी मैं लिफ्ट को नीचे भेजूंगा तो क्या कोई गाड़ी, ओए नहीं 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 बच गई. हाँ, दो गाड़ियां एक बार में नीचे जा सकती है. वेरी गुड भाई, सच में एक बार को मुझे लग रहा था सुपर आज गई. चलो ठीक है, यहाँ से लाने के बाद मैं कहीं भी बाहर, तो अपने पास अनलिमिटेड स्पेस है भाई, कहीं भी मैं पार्क कर सकता हूँ. इधर भाई अंधाधुंध जगह है, तो ऑडी R8 यहाँ पे खड़ी कर देते हैं. और बाप रे, बहुत सारी गाड़ियां भाई, एक एक करके निकालते निकालते तो बैंड बजने वाली है. चलो एक और गाड़ी थी दूसरी वाली, इस सुपरा को भी पीछे ले जाके यहाँ पे खड़ी करते हैं. भाई पूरी पार्किंग खत्म हो जाएगी भाई जितनी सारी गाड़ियां मेरे पास. चलो दो गाड़ी बाहर खड़ी कर दिया, अभी ऊपर भाई चार पांच गाड़ियां और है. लिफ्ट भाई जल्दी जल्दी ऊपर चलो भाई. अगली बार से मैं सोच रहा हूँ नए शोरूम में दो लिफ्ट लगाऊं क्या. मैं तो सोच रहा हूँ ऊपर फ्लोर पे ज्यादा झमेला रखते ही नहीं है, सारी गाड़ियां नीचे ही पार्क करें, या फिर नहीं यार ऐसे लिफ्ट सिस्टम भी बड़ा सही दिखता है मेरे को तो. चलो मस्टैंग यहाँ पे पार्क कर दिया एकदम बढ़िया से, और एक और दूसरी गाड़ी मुझे ये लाके पार्क करनी है. इस बार एक काम करते हैं भाई, तीन गाड़ियां भेजते नीचे एक साथ, जल्दी जल्दी काम होगा. मस्टैंग को क्या हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि गड्ढे में घुस गई किसी, जबकि फ्लैट जमीन है वहाँ पे. चलो कोई बात नहीं, तीन गाड़ियां लाके खड़ी तो मैंने कर दी है, आई होप ये नीचे चले जाए. जाओ भाई, तीनों बटन दबा दिया. वेरी गुड, डैमेज नहीं होना चाहिए. बढ़िया, तीनों गाड़ियां चली गई नीचे एक बार में. चलो भाई एक एक करके इन तीनों गाड़ियों को यहाँ से बाहर भी करना है. अभी पोर्शे बाहर करके इसको भी इसके बगल में लगाते हैं. मैं सच बता रहा हूँ भाई, बाहर का एरिया पूरा भरने वाला है. मस्टैंग की बारी, मस्टैंग को राइट साइड से बाहर लेकर चल के इधर पार्क कर देता हूँ भाई, अपने पास जगह की कमी नहीं है. चलो भाई, तो दो गाड़ियां मैंने और बाहर लाके खड़ी कर दी. अभी भी ऊपर रॉयल फ्लोर पे पता नहीं कितनी गाड़ियां बची हुई है, भाग के चल के देख के आते हैं. तीन से चार गाड़ियां मैं नीचे ले जा चुका हूँ और अभी भी यहाँ पर तीन गाड़ियां बची है और मैं इन तीनों गाड़ियों को एक साथ नीचे ले जाऊंगा. चलो भाई फरारी को यहाँ पे एकदम, अरे अरे आराम से, इसमें ना आई थिंक ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल है भाई, इसलिए भाग रही है गाड़ी इतनी ज्यादा. चलो तो एक गाड़ी लगा दी है, ये है अपनी दूसरी गाड़ी, इसको भी यहाँ पे भाई पार्क कर देते हैं प्यार से. लास्ट कार अपने पास बची है ऑडी R8. चलो तो तीनों मैंने गाड़ियां यहाँ पे मस्त तरीके से पार्क कर दिया, तो फटाक से इन तीनों गाड़ियों को भी मैं नीचे भेज देता हूँ. फरारी लटक गई भाई, ओ बच गई.
बच गई भाई, वरना तो आज तमाम हो जाती है। चलो भाई, ये वाले जो ओडीआर रेट है, मुझे तो लग रहा है इसमें मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत है। टायर देखना इसके, इतने ज्यादा गंदे दिख रहे हैं भाई। चलो एक काम करता हूँ, पीछे वाली साइड पे तो जगह नहीं है, इधर वाली साइड पे गाड़ी में खड़ी कर देता हूँ। चलो लास्ट दो कार बची है। सचमुच में यार बड़ा ही मुश्किल काम है ज्यादा गाड़ियों को मेंटेन करना। इनको जो भाई निकाल निकाल के एक एक करके बेचना होता है ना, तो भाई सचमुच में बहुत टाइम चले जाता है। वैसे आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम, वैसे स्कैम तो नहीं हुआ था, मेरा खुद एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था, मतलब मैं स्कैम नहीं बोल सकता उसको। तो हुआ क्या था, मैंने अपनी पोर्शे के साथ एक बेट लगाई थी, सामने वाले बंदे भी पोर्शे थी और हम दोनों ने रेस करी, और सीन ऐसा था कि विनर को सामने वाले की गाड़ी मिल जाएगी, मतलब जो भी जीतेगा वो सामने वाले बंदे की गाड़ी लेकर चले जाएगा। तो मैं हार गया था और मैंने अपनी पोर्शे खो दी थी। अब फरारी अटक चुकी है भाई इधर बहुत बुरी तरह। ओके निकल लिया, धीरे धीरे निकल लिया भाई। चलो चलो गाइस, फाइनली फरारी यहां से निकल चुकी है भाई। रेड फरारी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है मुझे ये गाड़ी, तो इसको यहाँ पे बच गई, ठीक है यहाँ पे पार्क कर देते हैं। चलो भाई, ये देख रहे हो कितनी सारी गाड़ियां मैंने बाहर लाके फेंक दी। अरे यार अभी एक और बच गई है यार, कितनी गाड़ियां मेरे पास। चल भाई ले, तू भी चल। भैंस क्या एक दिमाग की दही हो गई। अब कह सकते हो कि फाइनली सारी की सारी गाड़ियां मैंने बाहर लाके खड़ी कर दी अपने शोरूम की। अब बारी है शोरूम को पूरा तोड़ने की, पूरा क्लियर कर दूंगा भाई। पैसा बहुत है तो नुकसान इतना होने नहीं वाला, तो मूव एंड डिलीट पे टैप करके सीधा सारी चीजों को डिलीट करना चालू कर दे भाई। यहाँ से कितना सारा कुछ है भाई, तो बस मुझे डिस्ट्रॉय मोड पे करके सब चीजों को डिस्ट्रॉय करना है। पूरा का पूरा शोरूम यहाँ से मैं हटा देने वाला हूँ, पूरा शुरू से बनाएंगे भाई। पता नहीं क्यों तोड़ते हुए इतना ज्यादा दुख हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा, कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मैंने। चलो गाइस, तो अपना शोरूम मैंने तहस से नहस कर दिया। अभी यहाँ पर एक खुला गार्डन है। वैसे यार ये भी तो जैसे ओपन एरिया में गाड़ी बेचो लाके, कोई टेंशन ही नहीं। तो चलो ठीक है, जो जो चीजें बच गई थी फटाफट से मैं इनको भी डिलीट करके पूरा एरिया क्लियर कर देता हूँ, ताकि मैं शोरूम आराम से है? ये क्या हुआ भाई, गेम क्रैश हो गया क्या भाई, गेम ही क्रैश हो गया। एक सेकंड रुको, मैं रीस्टार्ट करता हूँ। अबे यार सेव तो हुआ होगा ना भाई, पूरा शोरूम मैंने तोड़ के सारी गाड़ी वाड़ी बाहर आके खड़ी करी थी। चलो जा, चलो जा। ओ लेट्स गो, गेम चालू हो गया है और पूरी की पूरी गेम सेव भी है भाई, सारी की सारी गाड़ियां बाहर खड़ी है। वरना अगर ये सेव नहीं होता, मुझे सब कुछ दोबारा से करना पड़ता, पूरा शोरूम तोड़ना पड़ता, एक एक गाड़ी लाके बाहर खड़ी करनी पड़ती। बट एक सेकेंड, ले ब्यूरे वेट, ये फ्रेंच है शायद से, ले ब्यूरे एते हमें, इसका मतलब है द ऑफिस इज क्लोज। भाई एक सेकेंड, मेरी पूरी की पूरी गेम की लैंग्वेज फ्रेंच कैसे होगी अपने आप ही। भाई ये क्या चल रहा है, यू हैव अनपेड बिल्स, ये सब कुछ, द कार मार्केट प्लेस इज ओपन। भाई ये पूरी की पूरी गेम की लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, मुझे नहीं पता कैसे चेंज हुई है, बट शायद से मैं इसको चाके चेंज कर सकता हूँ, मुझे पढ़ना तो आता है। ये सेटिंग्स है, कंट्रोल है, नहीं नहीं नहीं, ये आएगा गेम प्ले फ्रेंच को इंग्लिश। भाई लेट्स गो, गेम का लैंग्वेज मैंने वापस इंग्लिश कर लिया। अच्छा हुआ मुझे थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी, आप लोग को याद होगा रिसेंटली मैं पेरिस गया था, तो वहां पर जाने से पहले मैंने थोड़ी बहुत सीखना चालू कर दी थी डुओलिंगो से, क्योंकि भाई पेरिस में मैक्सिमम लोग फ्रेंच ही बोलते हैं और मुझे ये लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी। वैसे सही बताऊं तो थोड़ी बहुत टफ भी लगती थी, बट हां डुओलिंगो ने ये काम मेरे लिए बहुत इजी कर दिया। भाई इस ऐप में ना कोई भी लैंग्वेज लर्न करना एक गेम खेलने जैसा है। देखो मैं आपको बताता हूँ डुओलिंगो पे लैंग्वेज लर्न करना कितना इजी है। आपको बस ऐप को ओपन करना है और ओपन करते ही यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको दिख जाएगी, तो जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है उस पर टैप करो, बस अब ये ऐप पूरी गेम बन चुकी है। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, मैं राजू, आई एम राज, दिस इज अ बुक, वह एक बुक, अच्छा किताब है, भाई कुछ ज्यादा ही अच्छे से सिखा देंगे, एन एप्पल, एक सेब, बस। तो इसी टाइप से आपको दिन में 15 मिनट गेम खेलना है और आप लोग कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो डुओलिंगो के थ्रू। भाई डुओलिंगो आपकी रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग तीनों चीज पे फोकस करता है, तो जल्दी से जाओ अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज सीखने का प्लान कर रहे हो तो ये ऐप आपके लिए बेस्ट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके डाउनलोड कर लो और हम लोग वापस चलते हैं गेम पे, आ जाओ लेट्स गो गाइस। तो हम लोग वापस आ चुके हैं टेक्नो मोटर्स पे, अगला दिन हो चुका है, वैसे आज 12 बजे ऑक्शन पे भी है, बट मैं कोई भी फालतू की चीज नहीं करने वाला, आज मेरा टारगेट है अपने ऑफिस को रीबिल्ड करना। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हम लोग चलते हैं ऑफिस एडिट मोड पे। ऑल राइट, तो देखो भाई ये है पूरा का पूरा लैंड जहाँ पे मैं ऑफिस बनाने वाला हूँ। तो कुछ चीजों को पहले तो यहाँ से मैं थोड़ा सा साइड वाइड कर दूं। यार काश इस गेम में हम लोग थोड़ी सी और लैंड खरीद पाते, क्योंकि अभी जगह कम नहीं है, बट थोड़ी सी और होती तो शोरूम बहुत प्यारा बन जाता यार। खैर ठीक है, अभी हमें अपना टैलेंट दिखाना है, जितनी जगह मिली है उतने में ही कुछ बहुत बढ़िया बना के दिखाते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बिल्ड मोड पे। ओके तो ये है अपने पास वॉल, लास्ट टाइम मैंने एक भी वॉल नहीं यूज
करी थी, बट हाँ सबसे पहले वॉल यूज करने के लिए मुझे फ्लोर तो लगाना ही पड़ेगा ना, तो फ्लोर को एकदम ना कॉर्नर में प्लेस करता हूँ मैं एकदम यहाँ पे। अब इसे अटैच करके हम लोग आगे तक सारा प्लेस कर देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक सेकंड को मैं आपको थोड़ा ना पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ। तो जो अपना पहले वाला शोरूम था बेसिकली वो काफी बड़ा शोरूम था, फ्रंट से देखने में बहुत अच्छा लगता था, बट इस बार जो मैं शोरूम बना रहा हूँ ना मैं एल शेप में बना रहा हूँ, मतलब वो शोरूम थोड़ा यहाँ से कंटिन्यू होगा और मैं बना के दिखा देता हूँ, रुक जाओ। आई मीन उसका बेस तो मैं फटाक से बना ही सकता हूँ ना, तो उसको यहाँ से ऐसे वो लेफ्ट जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरे प्लेस हो भाई, पैसा खत्म हो गया। हाँ तो कुछ ऐसा सा उसका शेप जाने वाला है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर ना 3 लेयर कर देता हूँ, पूरा 3 क्या, इसको 4 लेयर ही कर देते हैं ना। ओके तो देखने में तो काफी ठीक ठाक लगेगा। रुक जाओ भाई, पहले डाउट में क्यों आ रहा हूँ मैं, अच्छा दिखेगा, रुको जल्दी से इसे ना एक बार पहले कंप्लीट करते हैं इसके एल शेप को। ये बेसिकली मैं एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरे माइंड में आया था कि अगर मैं अपने शोरूम को कुछ इस टाइप से बिल्ड करूंगा तो बहुत अच्छा दिखेगा, बस बना के देखना है। ओ भाई चलो, तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर एल शेप तो बिल्ड कर दिया है। आई थिंक मुझे यहाँ पर थोड़ा सा 1 लेयर और आगे आना चाहिए। यस, तो कुछ इस टाइप से अपना शोरूम होने वाला है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा एरिया में बढ़ने ही नहीं वाला, मतलब ये वाला जो स्पेस होगा ना ये बस ओपन गार्डन आप लोग कह सकते हो। इधर मैं सच में कुछ भी नहीं रखूंगा, अपना शोरूम जो है बस वो इतने एरिया में बनाऊंगा। चलो ठीक है, वापस से ऑफिस एडिट मोड में। भाई बहुत सारा काम है आज ही, सारा का सारा खत्म भी करना है। ओके तो ये हो चुका है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो बैक साइड वाला एरिया है इस पूरे पे मैं ये वॉल लगाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे इस वॉल को मैं यहाँ से लगाना चालू कर देता हूँ। 2, 3, 4, 5 तो ये वॉल कुछ ऐसे लगकर जाने वाली है, मतलब पहले ग्लास था पीछे से भी और आगे से भी, बट इस बार ये डिजाइन कुछ अलग ही प्लान करा है मैंने। डन सीन, तो यहाँ पर वॉल बहुत अच्छे तरीके से लग चुकी है और ऑफिस की एक साइड मैंने कंप्लीट कर दी है। एक चीज और, मूव एंड डिलीट में जाके ना इसको डिलीट करना है पहले। तो देखो मैं बताता हूँ, ये वाले एरिया में सारी गाड़ी आके पार्क हो जाएगी, फ्रंट में ग्लास लग जाएगा, बट मुझे ना यहाँ पर एक ऑफिस बनाना है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ना एक लिफ्ट बनानी है जिससे मैं अपनी गाड़ियों को ऊपर लेकर जाऊंगा और गाड़ियों को एंटर कहाँ से कराऊंगा, ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना है यार। मेरे माइंड में ना कुछ चेंजेस आए हैं, मैं सोच रहा हूँ अभी कर डालूंगा। मतलब जो गाड़ी का लिफ्टर होता है ना वो शोरूम के अंदर बहुत घटिया दिखता है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे शोरूम की बैक साइड से कर दूं। एक बार ना मुझे चेक करना पड़ेगा कि आखिर वो कितने का स्पेस लेता है, सपोर्ट कहते हैं ना, सही है। ओके तो वैसे वो इस कॉर्नर में प्रॉपर्ली फिट हो रहा है और 2 टाइल्स का स्पेस ले रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना अपने पूरे के पूरे शोरूम को ना, बस 2 टाइल आगे करना है। तो यहाँ से सारा हटा देता हूँ, वॉल हटा देता हूँ, यहाँ से ये सारी वॉल हटा देता हूँ, और जो वॉल्स है उसको मैं ना 2 टाइल आगे करके लगा देता हूँ। अगर मान लो मैं सारी वॉल 2 टाइल आगे करके लगाता हूँ तो क्या मैं सपोर्ट को बैक साइड पे लगा पाऊंगा? प्लीज लग जा, यस लग गया। तो यस मेरा कुछ ये प्लान है, अभी क्या है ना ये दिखेगा नहीं, मतलब ये जो लिफ्टर होते हैं ना शोरूम के अंदर मेरे को बहुत गंदे लगते थे, तो अभी बस मैं क्या करूंगा पीछे बैक साइड से गाड़ी लेकर आऊंगा, इसके अंदर खड़े करके ऊपर ले जाके पार्क कर दूंगा। चलो तो फटाक से यहाँ पर सारे के सारे पिलर्स लगाए थे, इसको भी मैं थोड़ा डिलीट करूंगा और यहाँ पर थोड़े बहुत और सपोर्ट लगाए थे गाड़ियों को ऊपर ले जाने के लिए, मतलब ये जितने ज्यादा होंगे उतने बढ़िया है यार। एक यहाँ होना चाहिए, एक यहाँ होना चाहिए, बाकी पॉसिबल है तो एक यहाँ भी लग जाए, मजा आ जाएगा। यस भाई ये देखो, पहले मुझे गाड़ियों को लिफ्ट करने में कितना प्रॉब्लम होता था ना, अभी मैंने अपने लिए काम कितना सिंपल कर लिया, बस पीछे से मुझे कहीं भी लाके गाड़ियां खड़ी करनी है, धड़ फुल स्पीड में सारी गाड़ियां ऊपर जाएंगी, 2 सेकंड नहीं लगेगा भाई, एक एक गाड़ी खड़ी करूंगा, चारों को एक साथ लोड अंदर बाहर। हाँ मतलब थोड़ा एरिया से कॉम्प्रोमाइज हुआ है बट चलेगा, चीज गंदी नहीं दिख रही और बहुत ही प्यारा दिख रहा है बैक साइड पे। ठीक है तो अभी मैंने 2 टाइल का स्पेस तोड़ा था, तो उसे 2 टाइल को मुझे आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, 1, 2, 1, 2 सारा कर देते हैं इसे। चलो गाइस तो ये आ रही है फाइनल लुक कुछ अपने शोरूम की, जो कि मेरे को बहुत ही ठीक ठाक दिख रही है, बट ऐसा नहीं फील हो रहा कि मैंने अपने शोरूम का साइज थोड़ा छोटा कर दिया, बट ये कोई बात नहीं, ओवरऑल शोरूम दिखना बहुत अच्छा चाहिए। अब चलते हैं विंडोज पे, यहाँ पे अपने पास बहुत सारे बड़े बड़े डोर्स हैं, विंडोज में बड़े सारे बड़े बड़े ग्लास हैं, तो ज्यादा सोचना नहीं है, मैंने जो पहले ग्लास लगाए थे सेम यही वाले ग्लास में दोबारा लगाने वाला हूँ, क्योंकि वो सबसे प्यारे दिखते हैं। ये एकदम एक दूसरे के साइड साइड में, यार इधर ना गाड़ियां खड़ी है शायद इसके लिए नहीं लग पा रहे थे, तो सारे के सारे ग्लास इधर लगाए था। 2, 3, 4 यहाँ तो वॉल आएगी, 1 वॉल 2 वॉल वापस से विंडो के ग्लास, 1 तो इधर लगाते हैं डोर, यार डोर भी तो कितने छोटे छोटे से हैं ना गाइस। मैंने ना यहाँ पे 2 डोर तो लगा दिए, एक बार देखो ये ऐसे ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, आई थिंक ये अच्छे ही दिख रहे हैं, मतलब ऐसे बुरे नहीं है, 2 डोर रहेंगे ठीक है, तो ये अपने दरवाजे हो जाएंगे। और थोड़ा सा डेकोरेशन मेंटेन करने के लिए मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉक का गैप देके इसको डिलीट कर देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, यहाँ कुछ क्यों नहीं प्लेस कर पा रहा भाई मैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन करते हैं ना। एक ये देखो भाई क्या प्यारा डेकोरेशन हुआ भाई, प्रॉपर मैंने एक रास्ता बनाया वहां तक जाने का भाई, मतलब पहले फ्लोर ना बहुत काफी सादा सादा घटिया सा दिख रहा था, बट अभी ऐसे एकदम इनकम्प्लीट सा नहीं दिखेगा। चलो तो ये कुछ ऐसा सा है, वो भाई यहाँ पर तो मैं बहुत से डेकोरेशन कर सकता हूँ, ये देखो ये होगी अपने शोरूम की एंट्री एकदम प्यारी वाली, और ये जो ग्रास वाला एरिया है यहाँ पर मैं बहुत सारे प्लांट वगैरह लाके लगा दूंगा जो कि गेम में मिलते ही है। तो इतना कह सकते हो आप लोग की ग्राउंड फ्लोर बहुत ही बढ़िया तरीके से कम्प्लीट हो चुका है, अभी तो मैं काफी नॉर्मल सा लग रहा होगा, बट इसके ऊपर जब छत आ जाएगी, जब इसके ऊपर अरे अंधेरा नहीं आएगा,
रुको, सोकर एक बारी जग कर आते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब इसके ऊपर छत आ जाएगी और ग्राउंड फ्लोर पे जब मैं गाड़ियां लाकर खड़ी कर दूंगा तब तो भाई बहुत ही सही दिखने वाला है। ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी वापस से हम लोग चलते हैं शोरूम के लिए। बहुत सारा भाई, बहुत सारा काम बाकी है खत्म करना आज ही। वैसे भी मैं बिल्ड करने में तो काफी एक्सपर्ट हो चुका हूँ, बस ये वाली एक बार सुपरा पीछे कर दूं भाई। इसकी वजह से ना ग्लास नहीं लग पा रहा यहाँ पे, पता नहीं क्यों। लग तो जाना चाहिए बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उधर नहीं लग रहा था उसका रीजन ये गाड़ियां ही हो सकते थे, तो ये थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ। चलो अभी चलते हैं ऑफिस एडिट मोड में। यस, तो यहाँ पे मैं ग्लास नहीं लगा पा रहा था, अभी भी नहीं लगा पा रहा हूँ मैं। अरे यार चलो छोड़ो उसको भाई, देखते कब लगा पाऊंगा मैं, पता नहीं। अभी तो मैं उधर ग्लास ही नहीं लगा पा रहा, फिलहाल अभी ऊपर वाला फ्लोर बनाना चालू कर देते हैं। और हमेशा ना एक दिक्कत होती थी कि ऊपर वाले फ्लोर की वजह से ग्राउंड फ्लोर पे बहुत अंधेरा हो जाता है, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना थोड़ा सा मैं ऐसा करूंगा भाई, ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी लाइट जानी चाहिए, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे वेंटिलेशन देंगे। और भाई देखो इतना तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा बालकनी भी यहाँ पर बनी रहनी चाहिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बालकनी के लिए भी एरिया बना रहा हूँ। भाई बहुत ही प्यारी लुक आने वाली है भाई सचमुच में शोरूम की। तो एक आइडिया है मेरे पास कि ये जो ग्लासेस थे इसको मैं एक बाउंड्री पीछे ही कर देता हूँ ना, और अगर मैं ये वाले लगाऊं तो कैसे दिखेंगे यार। 1, 2, 3, 4 यार ये वाले भी बुरे नहीं दिख रहे, अच्छे दिख रहे हैं। बस दुख इस चीज का है कि भाई इस कॉर्नर पे क्यों कुछ नहीं लग पा रहा है यार। अगर मैं ये डिलीट ही कर दूं यहां से तो क्या नीचे में कुछ लगा पाऊंगा? नहीं यार सचमुच में उधर कुछ तो दिक्कत है। बट यार कुछ भी कहो, सचमुच में शोरूम भाई अभी से क्या प्यारा एकदम प्रीमियम दिख रहा है यार। चलो 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 चलो, नो टाइम वेस्ट भाई, ऊपर वाला फ्लोर फटाक से कंप्लीट करते हैं। चलो भाई, तो काफी ठीक ठाक एरिया मैंने बना दिया अपने शोरूम का, और जो बैक साइड वाला एरिया यहाँ पर से ना सारी गाड़ियां लिफ्ट होकर ऊपर आएगी, तो इसे भी और अच्छे से कंप्लीट करता हूँ। देखो 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 गाइस, मेरा क्या प्लान है ना, ये एरिया को ना अब एग्जैक्ट ऐसा ही छोड़ देते हैं। मतलब मैं क्या यहाँ पर फेंस लगा सकता हूँ भाई, मजा आ जाएगा। यस लग सकते हैं भाई, बढ़िया। मतलब समझ रहे हो, मैंने फर्स्ट फ्लोर पे भाई एक बालकनी दे दी वेंटिलेशन के लिए। भाई क्या प्यारा दिखेगा, मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होगा शोरूम, एकदम ऐसा खिचपिच नहीं होगा, आराम से खुल्ला उल्ला घूमो इधर उधर। एक स्टेयर भी लग जाए ना यहाँ तो भाई बढ़िया हो जाए। बस एक सेकंड, मुझे ना देख के लगानी पड़ेगी, जैसे गेट से कोई बंदा यहाँ से एंटर हुआ तो यहाँ स्टेयर मिल जाए उसे चलेगा। तो ये हो गई अपनी स्टेयर यहाँ पे। बस इस स्टेयर को ना प्रॉपर रखने के लिए मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो भी आएगा ऐसे एंटर हो जाएगा। और सेम यहाँ से ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए भी मैं स्टेयर को कंटिन्यू कर सकता हूँ, कोई सीन नहीं है। बट ये है कि भाई ये वाला फ्लोर तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम बन चुका है भाई, लेकिन इसको बनाने के चक्कर में मैं नीचे का कंप्लीट करके नहीं आया भाई, ये भी तो ठीक करना है। ये सारे जो ग्लासेस लगाए थे भाई इनको तोड़ू क्या? हाँ तोड़ना ही पड़ेगा अभी। चलो तो टैक्स से बाकी बचे हुए एरिया में भी मैंने यहाँ पे ग्लास लगा दिया है, और ये बहुत ही ज्यादा सही दिख रहा है अभी। अब यही ग्लास मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे भी लगाना है यार। 2, 3, 4, 5, 6 देखो शोरूम फ्रंट से तो पूरा कवर होगा, बट बैक साइड से बिल्कुल कवर नहीं करने वाला हूँ मैं इसको, क्योंकि देखो लिफ्ट से गाड़ियां ऊपर आएगी तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई भी वॉल एंड बाउंड्री नहीं लगा सकता। तो फ्रंट साइड पे अच्छे से कवर कर देता हूँ मैं ये ग्लासेस लगा के, डन सी। तो अभी मुझे ऊपर वाले फ्लोर के लिए भी ये डालना शुरू करना है, क्योंकि इस बारी मैं 2 फ्लोर का नहीं 3 से 4 फ्लोर का बनाते हैं भाई। ओ भाई भाई भाई, वेट 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 वेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना सचमुच में शोरूम को बनाते बनाते थक चुका हूँ। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल इस बिल्ड को इतना ही छोड़ने वाले, मैं बोर हो गया हूँ भाई। मतलब मजा आ रहा है बिल्ड करने में, बट मुझे इसको थोड़ा सा टाइम देके बहुत अच्छे से बनाना है, तो हम लोग इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अगर मैं बोर हुआ तो तुम्हें पता ही है मेरा टाइम पास करने का तरीका क्या है। देखो आज की वीडियो में हमने आधा शोरूम बनाया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस शोरूम को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बट मुझे पता है तुम्हें डिजाइन पता ही चल चुका होगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। पर एक चीज है, इस बार अपना शोरूम 2 फ्लोर का नहीं 3 से 4, 4 से 5 फ्लोर का भी हो सकता है। तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में जाके बताओ कितने फ्लोर का होना चाहिए। फिलहाल पिछली बारी मैं ड्रैग रेस में हारा था, मुझे वो बदला लेना है भाई। यहाँ पर कोई है क्या भाई, कोई डेंजर बन, ये क्या ट्रक क्या लेकर आया भाई ड्रैग रेस करने, पागल है क्या? मूड खराब करने आ जाते हैं ये लोग। तू क्या लाया भाई, कितने की रेस है? $800 भाई। रेस कर ले भाई तू, कोई बात नहीं रेस कर ले, आज मैं निशान लाया हूँ। चलो गाइस आज हो जाए निशान GTR वर्सेस पता नहीं सामने वाले बंदे की कौन सी कार है, बट इतना पता है मुझे $1000 बैठे बिठाए मिलने वाले, क्योंकि ये बंदा जब चालू कर देगा ना उसके कम से कम 10 सेकंड बाद मैं चालू करूंगा, और देखना फिर भी इसको हरा दूंगा, क्योंकि अपनी गाड़ी में पावर बहुत है भाई। चलो 3, 2, 1 इसको भगाने दो, जा भाई भाग जा भाग जा भाग जा, कोई बात नहीं मैं खड़ा हूँ भाई देख रहा हूँ मैं। चलो ले भाई चल गया, चलो भाई गाड़ी चल गई ले, ओ भाई जीत मजा। एक सेकंड, अरे नहीं ये क्या कर रहा है भाई, मैंने चौड़बाजी में यार, मुझे लग रहा था कि उसकी कार बहुत ज्यादा ही स्लो होगी, बट नहीं यार थोड़ी बहुत फास्ट थी। और इसको देखो भाई, $100 की रेस करने आया हूं क्या मैं, भाड़ में जाए यहाँ से। इससे बढ़िया मैं एक बारी कार मार्केट प्लेस में जाके चक्कर काट लेता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे कुछ बढ़िया बिक रहा होगा गाड़ी वाड़ी तो खरीद लूंगा। $5,00,000 मेरे पास है, बट हाँ मुझे याद रखना है कि अपने शोरूम के लिए मुझे बहुत सारा पैसा बचा के रखना है भाई, क्योंकि इसको बनाने में बहुत पैसा लगने वाला है, अभी 2-3 फ्लोर बनेगा यार। बट ऐसे पैसे को टेंशन नहीं यार, गाड़ी वाड़ी खरीद रहा हूँ तो बेच के कमाऊंगा ही ना। लेट्स गो, वापस आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, और दिख रही हूँ किस्मत, अभी रुक जाओ
जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस्मत कितनी अच्छी है। मैं जस्ट यहाँ पे आया हूँ और मुझे देखो क्या दिखा है, एक पोर्शे। कितने की दे रहे हो मैम? ये मुझे ये पोर्शे बेच रही है 1,60,000 की, प्यार से खरीद लूंगा। नेक्स्ट है लैम्बोर्गिनी, भाई 2,00,000 की दे दे प्लीज, प्लीज 2,00,000 की। वैसे नहीं भी, अरे यार 3,40,000 से बार्गेन करते हैं। अपने शोरूम में बस एक लैम्बोर्गिनी नहीं थी, मैंने आज ही बोला था, बट अभी वो भी आ जाएगी। 3,45,000 बोल रहा है, तो 2,60,000 की दे दे भाई। नहीं देख, छोटा भाई है तो प्लीज दे दे यार भाई, दे दे। ओ मना कर रहा है। तू फिर तो एक काम कर, 2,80,000 लास्ट ऑफर है यार, प्लीज दे दे भाई इतना तो। ओके लेट्स गो, हमने लैम्बोर्गिनी खरीद ली। मेरे पास अभी $2,50,000 बचे हैं, मैं सोच रहा हूँ पोर्शे भी खरीद लूँ। 1,60,000 की ये दे रही है ना, 1,15,000 में ले सकता हूँ मैं शादी से। आई होप ये बेच दे इतने में। ओ नहीं, 1,22,000 भाई नहीं 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 कर रही है भाई। 1,30,000 में देगी क्या यार, इतनी महंगी। भाई उसने गाड़ी बेचने से ही मना कर दिया, तो भी वो जितने की बेच रही थी मुझे उतने का ही लेना पड़ेगा क्या? ला भाई तू दे दे, तू भी याद रखे। चलो तो आज हमने एक पोर्शे खरीद लिया, इसको तो रिपेयरिंग के लिए भेज देता हूँ, बाकी साथ में एक लैम्बोर्गिनी खरीदी है भाई। मतलब अपने शोरूम में बस एक यही गाड़ी की कमी थी, बट आज मैंने इस गाड़ी को भी खरीद के वो पूरी कमी कर दी। अभी ऑलमोस्ट सारी ब्रांड अपने शोरूम में है, मतलब बड़े बड़े। इसके अंदर एक डॉज वाइपर भी है, वो मुझे अभी तक नहीं दिखी यार। निसान GTR को भी रिपेयर के लिए भेज देते हैं, थोड़ी बहुत टूटी पड़ी थी, और लैम्बोर्गिनी को ले जाके शोरूम के बाहर खड़े कर देते हैं। चलो गाइस अभी मुझे टेंशन नहीं है, जब अपना शोरूम बन जाएगा तो अपने पास सारी गाड़ियां रहेगी। और एक सेकंड, इसके अंदर ड्रिफ्ट किट लगा है भाई। चलो रात भी हो चुकी है, तो इसी के साथ एक प्यारे से ड्रिफ्ट करके गाड़ी यहां पर पार्क कर देता हूं। ओए क्या हो रहा है भाई इसको? चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है भाई, मैं आज गाड़ियां यहीं पर खड़े करके जा रहा हूं। कम से कम बाहर भाई 100-200 करोड़ रुपए का माल खड़ा हुआ है, लैम्बोर्गिनी, फरारियां, ओडियां, पोर्शेस, भाई पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां, वो भी दो दो तीन तीन क्वांटिटी में। बाकी यहाँ टेक्नो मोटर्स आज काफी अंधेरे वाला आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट है। पार्ट टू में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करने वाले एकदम बढ़िया तरीके से, और अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता तो मैं इन दोनों गाड़ियों को आज ही रिपेयर करवा लेता, बट कोई बात नहीं। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैं शोरूम बना रहा हूँ वो भी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपके माइंड में कुछ सजेशन है तो नीचे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना कि मुझे अपने शोरूम में क्या नया करना चाहिए। फिलहाल हाँ, शोरूम बहुत ही तगड़ा और बहुत ही प्यारा बनने वाला, तो मजा आ जाएगा आपको नेक्स्ट पार्ट देखकर जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा फुल डेकोरेशन वगैरह के साथ। अभी एक फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है, तो ठीक है आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी यहाँ डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना, अगर आप लोग कोई भी लैंग्वेज लर्न करना चाहते हो तो डुओलिंगो का लिंक है, आप लोग उस ऐप के थ्रू सारी लैंग्वेजेस बहुत इजीली सीख सकते हो। तो जाओ ऐप को डाउनलोड कर लो और आज से चालू कर दो। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।